बहादुर भाई। हाँ, मेरा नाम है बहादुर भाई। खाली केक? मैंने कोई केक नहीं खाया। दे, तुमने एक काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया? ये तुमने मेरे हाँ Assalamualaikum, welcome back to another vlog। तो ये मुझे पहले बताया कि मुझे क्या चीज़ आई हुई है। ये मुझे कार्ड आया हुआ है मेरे दोस्त का, मुल्तान साइड पे रहता है। उसने मुझे शादी पे इनवाइट करना था, उसने मेरे घर का एड्रेस पूछा हुआ था। तो आई एम डैम श्योर ये वही है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ जरा ऑफिस, तो बाकी बातें तो जाके करते हैं। तो मुझे ना बहुत से लोग कह रहे थे कि यार लास्ट जो इवेंट पे ना सब ने पेंट कोट पहना हुआ था, आपने टी शर्ट क्यों पहनी हुई थी? तो ये देखिए, ये रुमाल है मेरे कंधे पे। तो गर्मियों का ये सीन होता है कि सबसे गर्मी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन मुझसे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती, तो ये रीज़न थी। टोटल ना चार कार्ड्स हैं। 23 को है मेहंदी, 24 को है सहराबंदी एंड कवाली नाइट, 25 को है वेडिंग सेरेमनी एंड 26 को है वलीमा। तो थैंक यू सो मच काशिफ। लेकिन मैं इसमें ना उस दिन जा पाऊँगा जिस दिन होगा फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को मेरा ऑफिस ऑफ होता है, क्योंकि मेरे पे भी एकदम बर्डन आया हुआ है तो इस वजह से। लेकिन मैं हाँ, जिन लोगों को नहीं पता, तो मैं इंशाल्लाह लाजमी मुल्तान चक्कर लगाऊंगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, एक ब्लॉग भी नया बन जाएगा कि आउट ऑफ सिटी का। खैर, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं फ्राइडे को आऊँ जौन सा भी इवेंट होगा। एंड क्या नाम है, आज मज़े की बात ये कि मुझे यूनिवर्सिटी में एज ए जज नॉमिनेट किया गया कि मैं आज जज बनूँगा अपनी सोसाइटी का, तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से फ्री होकर मैं जाऊँगा आगे यूनिवर्सिटी। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया हूँ। तो हेलो, क्या चल, कैसी हो? तो कैसी प्रिपरेशन है आपकी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। तो मैं एज अ यूट्यूब का जज बना हुआ, तो छोटी मोटी मेरी स्पीच होगी। और आप? मैं होस्ट, मैं इवेंट होस्ट करूंगी आज का पूरा। आप इवेंट होस्ट करेंगी? होस्ट करेंगी। तो ये सारे यहाँ पे खड़े हैं, सारी फुल धूमधाम से तैयारियां वगैरह मैनेजमेंट जी। बिलावी, कैसे आप? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहले से फर्क है आप बताइए। मैंने ना वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी स्पीच इतनी अच्छी हो जाएगी, लेकिन जैसी भी हुई है बहुत अच्छी हुई है। हेलो निशा, निशा कैसी थी स्पीच? बहुत अच्छी, आपने सबसे ज़्यादा अच्छी स्पीच की है, मुझे सबसे ज़्यादा आपकी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मेरी स्पीच हो गई थी, तो मैं जिन लोगों ने बाकी होस्टिंग में देखी है स्पीच के, मैं उनसे पूछता हूँ उन्होंने उनको कैसा लगा स्पीच करके। तुमने होस्टिंग की थी, कैसा लगा तुम्हें होस्टिंग? बहुत मज़ा आया। फॉर द फर्स्ट टाइम था ना तुम्हारी लाइफ में? नहीं, मैं थ्रू आउट सेवन क्लास अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन जो था वो होस्ट करती थी। डिजाइन बाय द वे बहुत अच्छी स्पीच थी तुम्हारी, होस्टिंग सॉरी। थैंक यू। ठीक है, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने की थी एज एन इंस्टाग्रामर और आपने की थी टिकटॉकर, आपने और एज एन इंस्टाग्रामर, तो बहुत अच्छी स्पीच थी आप दोनों की। थैंक यू सो मच। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी में? आपका सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर है? सेकंड सेमेस्टर है। तो कैसा था? एंजॉय। हाँ, आप तो इंटरव्यूज वगैरह करती रहती हैं यूनिवर्सिटी के, अभी भी वही कर रही हैं इंटरव्यूज वगैरह के? चेंज कुछ किया डोमेन वगैरह? नहीं, अभी नहीं कर रही। अच्छा, करने नहीं देते नहीं, अब हम सोसाइटी के अंदर है ना, तो अब इजी सर। हेलो, क्या हाल चला, कैसी हैं आप? ठीक ठाक।
बड़ी आज आप डल लग रही हैं आज। वैसे आपको पता आपकी ना एज एन इंस्टाग्रामर वो थी स्पीच थी ऑडिटोरियम में, चलो कोई बात नहीं। तो मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, थैंक यू सो मच। हाँ मैं आपको भी मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ मैं लाजमी आता हूँ, सेम है। ओके अल्लाह हाफिज़। रात के बज गए हैं तकरीबन 8। यूनिवर्सिटी से मैं जल्दी जल्दी भाग के ऑफिस आया हूँ क्योंकि ऑफिस में ना काम थे, काम इस सेंस में थे कि ऑफिस वालों ने ज़रा काम से जाना था, एक इम्पॉर्टेंट डील आ गई थी वो करने और ऑफिस में कोई नहीं था, तो इस वजह से मैं बैठा हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मज़े की बात यह है कि मैंने एक डेढ़ हफ्ता हो गया रेगुलर जिम मैंने स्टार्ट कर दी है, तो थोड़ा सा मुझे फ़र्क नज़र आया है। और जैसे कि आपको आवाज़ों से पता लग गया होगा कि जिम पास ही है, पास ही नहीं बल्कि वो जिम। अभी भी मुझे पता लगा है कि मुआज आया हुआ है, तो मैं फ़ौरन निकल गया कि यार उसको भी तो प्रोटोकॉल देना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा दोस्त मुआज, क्या चले कैसे, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो खैर से मेरे ऑफिस मैं आपसे मिलने आया हूं। इतना प्यार मुझसे कि मेरे ऑफिस आ गए। मैं सब्जादार से यहां बहरिया टाउन आया हूं कि आप मुझे DHA तक ले जाएं। आपके गुलाम नौकर हाँ पौन दो आगे देखे। ऑफिस का टाइम कंप्लीट हो चुका है, आज हम लोगों ने जाना है। किधर जाना बोला? रहमा की बर्थडे पे। ऊंची बोले रहमा की बर्थडे पे। तो ऑफिस वगैरह बंद करके ना हम लोग जा रहे हैं अभी रहमा की बर्थडे पे। ऑफ कोर्स एक मिनट के लिए ज़रा घर जाना है, एक या दो मिनट के लिए अगर मेरा काम हो गया तो वेरी गुड हो जाएगा। काम करने के बाद बताते हैं कि काम हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ फाइनली। जिस काम के लिए हम लोग गए थे अंदर हो गया। मुआज बताएगा क्या काम था। मुआज ये कि अब्दुल्ला ने रात लेट घर आना होता है, ठीक है, जिसके पापा होते हैं डिस्टर्ब जब भी लेट घर आता है, तो घर हमारे घर मेरा हो जाता है। उठा बिस्तरा, बोरिया बिस्तरा उठा और अपने ऑफिस में शिफ्ट हो जाए। देखो ठीक है मैं लेट आऊँगा, तो एक मिनट बात सुनो मुआज, इसकी शक्ल देखो एक मिनट, ये इतना खुश क्यों है मेरे लेट आने से? कौन ये? हाँ फ्रीडम है उसके पास घर का भी। तो मुआज ना फ़ोन पे बात कर रहा है अपने फादर से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। तो मैं आपको बताऊँ मैं किधर आया हूँ। मैं जो घर से सामान पकड़ा है मैट्रेस वगैरह का, वो मैं अपने दूसरे ऑफिस रखने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास जो अपने पहले वाले ऑफिस की कीज़ नहीं है, अभी मुझे जाना था, तो इस वजह से मैं दूसरे ऑफिस की कीज़ मेरे पास थी, तो मैं उधर सो जाया करूँगा। पूछ लिया करूँगा कि उस वाले ऑफिस में कोई है तो मैं उधर सो जाया करूँगा, वरना इधर सो जाया करूँगा। तो ये ज़िंदगी है कि अपने शौक़ के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, तो मैं वो कर रहा हूँ। ये देखिए इधर देखो सर, एक मिनट स्माइल करो सर। नहीं हो रही बता, तो मैं आपको पहले दिया कि मैं क्यों यहाँ पे रख रहा हूँ। यार तेरे इस ऑफिस में गर्मी नहीं है? कोई बात नहीं, शौक से बढ़कर पूछ रही। ओके हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली वन एंड ओनली कहाँ पे, चाय दोस्ती। चाय दोस्ती, आपने गौर किया हुआ कि हमारे सारे इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, क्यों होते हैं वजह भी आपको पता है बकर भाई, ऐसे ही है ना मुआज? तो रहीमा का बर्थडे है तो चेक करते हैं। वो नाइस मोबाइल, मोबाइल क्या लगी हुई है? रहीमा लगी हुई है। दो रहीमा, रहीमा ने ना फुल एफर्ट किया अपनी है ना बर्थडे पे मुआस, है ना, एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने उससे ना। आज तो भाई क्लीन बिछे हुए हैं, फुल प्रोटोकॉल। क्या हाल? ओ नाइस, क्या हाल, कैसे हैं मुकर भाई? गुड, आप बताएं। ठीक है, आज मैं ये बता रहा था कि ना बड़ी प्यारी डेकोरेशन में रखी हुई और आज तो फुल नीचे ऊपर भी हुए हुए पकड़े नहीं जा रहे आप, तो भाई आपकी दुआएं चाहिए हमेशा हमेशा, दुआएं आपके साथ। आपकी बर्थडे के बाद देखिए कितनी रौनक लगती है यार। ये आपने ये नहीं तो बात करके ना मेरा दिल ले लिया आपने। भाई आप खुद खूबसूरत है ना, तो आपका दिल लग जाता है। प्यार आपका प्यार है। ये
ये क्लिप का ना रीटेक हो रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम बहादुर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अब्दुल्ला भाई ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह का लाख शुक्र। ये ना वो ड्यू टू सम रीजन दोबारा रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। बस यार ये थैंक यू सो मच। ये आपके लिए, आपने मुझे कहा था आपके लिए जूस, मेरा वो पड़ा हुआ है। ये पता नहीं, मैं नहीं ये पीता, मैं किसी का झूठा नहीं पीते आप? नहीं नहीं, मैं पी लेता हूँ, लेकिन और सुनाए आप। अब्दुल्ला सदका सदका ले लेते हो? हैं सदका सदका? नहीं सदका लेते हैं, रमजान आने वाला है ना, इस बार ज्यादा इकट्ठा होगा तो शेयर कर। मुझे भी प्लीज व्हाट्सएप कर देंगे आप? व्हाट्सएप क्यों? जैस कैश? नहीं जैस कैश क्यों, आटे के तोड़े। बर्तन बर्तन का नाम क्या है? क्या बहादुर भाई? हाँ मेरा नाम है बहादुर भाई, और भाई का मतलब आज सुन लो सारी लड़कियों, ये स्पेशल तुम्हारे लिए है। बी फॉर बेस्ट, एच फॉर हस्बैंड, ए फॉर अमंग, आई फॉर आइडल। आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। ये पास दानेदार वाला चाय की पत्ती का है। आपको मैं दिखाता हूँ हैप्पीएस्ट गाय ऑफ फीमेल। कैसे बात है सर? आई एम आल्सो फाइन एंड यू। भाई ये इतने हैप्पी है, बिजी रहते हैं हर टाइम, इसकी नेचर ही ऐसी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। जहाँ पे माल पकाओ, रिच मैन, जहाँ पे माल पकाओ वहाँ पे मुस्कुराहट मुस्कुराहट से जाना चाहिए। अब्दुल्ला भाई बस कर दो, खुदा दा वास्ते कितने व्लॉग बना रहे हो। ही इज अ रिच मैन, ही बिलोंग टू नोबल फैमिली। आई वांट टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, आई बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, आई एम डन। वाओ 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 वाओ। किधर किधर घूमते? घूमते मुंह नहीं लगाते अपने दोस्त। ये रही बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मेरा किस टाइम में दिमाग खल जा। क्या केक काटने लगे हो? केक अभी तो लोगों को तो आने दो, फिर काटना। आपका केक कटेगा आज। यहाँ पे खड़े हैं हमारे सनी भाई। सनी भाई कैसे टोपी पहनी हुई आपने दोपहर से? हाँ दोपहर से, दोपहर से मैंने खैर से टोपी पहनी है। दोपहर से क्यों, वजह वजह क्या सनी भाई आपकी टोपी पहनने की? यार बस अल्लाह तौबा कर ली है, अल्लाह तौबा कर ली है। हाँ। कवाली वगैरह लगी हुई थी तो ना मैं तरीके से लोगों को ले नहीं पाता। ये केक खाने में बिजी थी, खाली केक लास्ट इवेंट में भी आप खाने की बात करें। हाँ आई हैव, आई हैव ये वीडियो पहले। कितना वेट लूज किया आपने? वेट पता नहीं कितना लूज किया, लेकिन लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं वो डाल दूंगा पहले कि आपने खाना पेट भर के खाया। केक खाया बल्कि, केक खाया था, थोड़ा सा खाया था। हाँ बस ओके बाय। जाने का वेट कर रहे हो? मैं भी जाने का वेट कर रहा हूँ। यार सनी इनको कुछ हद आया दो के यार। नमाज पढ़ी है? नमाज पढ़ी है, तराविया अभी तो वो आए नहीं नमाज। यार सनी ये देखो यार, अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। अस्तगफुरुल्लाह, ये ना एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो भाई है सनी भाई यहाँ सारे फ्रेम में आ गए। हम तो ना सनी भाई हम सबको ना हदायत दे रहे, तो अच्छी बात है। हदायत जहाँ से मिले लेनी चाहिए, हदायत पात्मा मिल जाए, हदायत मिल जाए। ओके भाई, नहीं जैसे आपने मिस यू मोर कैसे कैसे किया था अपने भाई, मुझे भी अच्छा सही। बहुत मजा आया रहीमा तुम्हारी बर्थडे पे, वन सेकेंड हैप्पी बर्थडे। तुमने एक काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया? तुम ना मेरे, हाँ तुम्हारा एड्रेस माशाल्लाह पूरी रेस्टोरेंट की सफाई कर रहा है, सफाई होने की जरूरत नहीं है। और अब ये एड्रेस है नादिया का।